नीमच शहर की कृषि उपज मंडी शुरू होने के बाद हम्बाल हाट ठेला टेम्पो चालकों संघ ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन दिया और मांग की गई है कि हम लोग गरीब मजदूर हैं, हमारा घर बार सब मंडी के भरोसे चलता है, यदि हमें मंडी के अंदर प्रवेश नहीं दिया जाएगा तो हम घर से बेघर हो जाएंगे। और यही नहीं, कुछ लोगों ने तो किश्तों पर टेम्पो भी ले रखे हैं, उनकी किश्त भरने से परेशानी आ रही है। कृषि मंडी व जिला प्रशासन से यह मांग की है कि जल्द से जल्द मंडी में पर्व की तरह ढेर करके शुरू की जाए जिससे हमारा घर परिवार चल सके। इसी बात को लेकर आज हम हम्बाल हाट ठेला टेम्पो चालकों ने कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर नायब तहसीलदार को ज्ञापन सौंपा है। काफी परेशान है, मंडी के अंदर सौदा पट्टी से माल तुल रहा है, ट्राली के अंदर वो ढेर नहीं हो रहा है, हम चाह रहे हैं कि ढेर होए ताकि हमारा भी घर बार चल सके, सबको रोजगार मिल सके, ठेले टेम्पो वाले लोन की किस्त जो बाकी है वो सब लोन पे ले रखे, टेम्पो उनको किस्त देने में बड़ी परेशानी आ रही है, वो लोन वाले आए दिन हमारे को परेशान कर रहे हैं, खाने पीने की सबकी परेशानी है, पहले भी सीओ साहब को भी दे रखा, एडीएम साहब को भी दे रखा, कलेक्टर साहब को पहले भी आवेदन देना, ये मुख्यमंत्री के नाम में ज्ञापन सौंपा है, हमारी सुनवाई नहीं हुई। नीमच से दीपक हदाबे की रिपोर्ट।